स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों ई सिम के बारे में आपको बता दूँ, ई सिम यहाँ पर जो है इसकी फुल फॉर्म है एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। दोस्तों हर स्मार्टफोन कंपनी जिसमें ई सिम दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ये बात जाननी जरूरी है कि स्मार्टफोन कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त यानी स्मार्टफोन बनाते वक्त हर स्मार्टफोन में जो ई सिम सपोर्ट कर रहे हैं उनमें एक हार्डवेयर डालती है जो ई सिम के नाम से होती है। इसके लिए आपको फ़ोन में अलग से सिम ट्रे की जरूरत नहीं पड़ती, साथ ही इसमें स्मार्टफोन का जो स्पेस है सिम वगैरह का वो भी बच जाता है। तो दोस्तों आजकल कई स्मार्टफोन में ई सिम का जो है चलन चल रहा है। हालांकि इस सर्विस को लेकर और रेगुलर और फिजिकल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में बिल्कुल वही सेम यहाँ पर इंटरनेट और डाटा कनेक्टिविटी और यहाँ पर जो है नेटवर्क वगैरह देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों क्या आप ई सिम यूज़ करना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं और भी चीज़ें, तो आइए मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या फ़ायदे इसके होने वाले हैं। आइए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। दोस्तों ई सिम के बारे में जो सबसे रोचक बात मुझे लगी है वो ये है कि आप एक ही स्मार्टफोन में 5 मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं? ई सिम के थ्रू आप कर सकते हैं। ई सिम में एक साथ कई ई सिम चला सकते हैं, यानी एक ही सिम नंबर होंगे अलग अलग, लेकिन सिम का जो स्मार्टफोन का जो स्लॉट है उसमें आप कई तरह के नंबर ऐड कर सकते हैं और जब चाहे एक दूसरे नेटवर्क पर स्विच कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी है। और दोस्तों ई सिम स्लॉट में जियो यहाँ पर जो है भारत में सर्विस दे रहा है। दोस्तों अगर आप एयरटेल के यूज़र हैं, जियो के यूज़र हैं या फिर वोडाफोन के यूज़र हैं तो फिर आप ई सिम ले सकते हैं, लेकिन ई सिम का फ़ायदा आप तभी उठा पाएंगे अगर आपके पास एप्पल या आईफोन या ऐसा डिवाइस है जो ई सिम सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको जानना है क्या आपके फ़ोन में ई सिम यूज कर सकते हैं तो आप इसकी अवेलेबिलिटी यहां पर जो है इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है, जैसे ही आप किसी भी एप्पल या आईफोन या कोई भी डिवाइस हो आप उसमें ई सिम चालू करेंगे तो आपका जो फिजिकल सिम है फिर वो कभी भी यहां पर आप यूज नहीं कर पाएंगे, यानी आप उसे दूसरे स्मार्टफोन में यूज नहीं कर सकते। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ई सिम के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? आने वाले समय में आपको और भी बेहतर यहाँ पर जो है मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।